सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार। सर्वप्रथम होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये होली का पर्व है, सभी के जीवन में हर्ष उल्लास और जो प्राप्त करने की इच्छा हो, सभी को अपने अपने लक्ष्य प्राप्त हों, इसी की कामना करते हैं। तो इसी के साथ हम ये उत्तर प्रदेश PCSROARO उत्तर प्रदेश से जितने सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाने की इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो ये प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या एक है, नासा किस वर्ष इजराइल का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप अल्ट्रासेट लॉन्च करेगा? तो ये नासा जो है 2026 तक इजराइल का टेलीस्कोप अल्ट्रासेट लॉन्च करेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, जिसे डबल स्टार दिया गया है, भारतीय कला और संस्कृत के संदर्भ में उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। तो हर प्रदेश के कोई न कोई लोक नृत्य होते हैं, तो इसी क्रम में उड़ीसा का जो लोक नृत्य है कीसाबादी, ये जो है इस समय बहुत ही चर्चा में है। प्रश्न संख्या तीन है, इसे ट्रिपल स्टार दिया गया है, मंगोलाइट सोमपेन जनजाति भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करती हैं? तो ये जो मंगोलाइट सोमपेन जनजातियां हैं, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करती हैं। प्रश्न संख्या चार है, इसे ट्रिपल स्टार दिया गया है, दिनेश गोस्वामी समित, बोहरा समित, इंद्रजीत गुप्ता समित, ये जो सभी समितियां हैं सभी का संबंध जो है वो चुनावी सुधारों से है, क्योंकि ये जो दिनेश गोस्वामी समित, बोहरा समित और गुप्ता समित है, इंद्रजीत गुप्ता समित, इन्होंने जो है चुनावी सुधारों पर अपने विचार दिए हैं, इसलिए ये चुनावी सुधारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या पाँच है, किस राज्य के तीन जिलों में सोने की खाने मिली हैं? तो अभी जो है उड़ीसा राज्य में सोने की तीन खाने प्राप्त हुई, इससे पहले जो है लद्दाख में लिथियम भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये जो सोने की खाने हैं वो उड़ीसा में मिली हैं, तो बहुत ही चर्चा में है। प्रश्न संख्या छः है, किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है जो रास्तों के किनारे जो लोहे की पट्टियां लगाई जाती थी उनकी जगह पे अब जो है बांस की पट्टियां लगाई जाएंगी जो कि एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो इसलिए ये जो है पहला ऐसा देश है भारत जिसने कि बांस की पट्टियां लगाई हैं रोड के किनारे। प्रश्न संख्या सात है, जिसे डबल स्टार दिया गया है, नागालैंड की कौन पहली महिला विधायक बनी है? तो ये नागालैंड में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है, इसलिए जो भी पहली बार भारत में होता है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो हैं हेकानी जाखलू नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, तो इसलिए ये चर्चा में है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अभी जो है हाल ही में ये चुनाव संपन्न हुए, तो इसलिए ये
नागालैंड की पहली महिला है, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। प्रश्न संख्या 8, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, प्राप्त कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो कांगड़ा चाय है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9 है, लेखा महानियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, भारतीय संविधान के किस प्रावधान से अपना शासनादेश प्राप्त करता है? तो ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, लेखा महानिदेशक जो हैं, ये अनुच्छेद 150 से अपना शासनादेश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 10, जिसे कि ट्रिपल स्टार दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये जो हिस्टोरिकल खोजों के लिए कार्य करता है, और ये जो है वो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश PCS में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें, बार बार दोहराएं, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो आप लोग, आज होली का पर्व है, बहुत अच्छे से मौज मस्ती के साथ रंगों का महापर्व मनाएं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।